हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल अनु ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों की समस्या है जो कि उनकी परफेक्ट कटिंग होने के बाद भी और ब्लाउज अच्छे से बनाने के बाद भी उनके शोल्डर हैं वो गिरते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, ताकि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। बहुत सारी महिलाएं जो कि गला तो वो डीप पहनना चाहती हैं, लेकिन वो डोरी लगाना नहीं चाहती हैं, उनको डोरी लगाना पसंद नहीं है, तो और उनके जो कंधे हैं वो इस तरीके से गिरते हैं, तो इसको हम कैसे रोकेंगे और ये समस्या हमारी किस तरीके से हल हो सकती है, तो इसके क्या क्या कारण है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको समझाने के लिए मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज लिया है, इस पर मैं आपको समझाऊंगी और फिर मैं आपको कटिंग करके भी बताऊंगी, जिससे कि आपकी ये शोल्डर गिरने की समस्या है वो दूर हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज लिया है, जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। पहले मैं आपको इस ब्लाउज पर समझाऊंगी और फिर मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगी कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें गले की चौड़ाई, यहाँ से गले को इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से गले की चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं रखनी है। गले की चौड़ाई यहाँ से आपको 2 इंच रखनी है, जिससे कि आपका गला है वो उतरे नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ से तो आपने गले की चौड़ाई है वो इस तरीके से ज्यादा रख दी और यहाँ से आपने इस तरीके से कम रख दी, तो आपका गला इस तरीके से उतरेगा ही। आपको यहाँ से चौड़ाई को कम करना है और यहाँ से थोड़ा आप चौड़ा कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके कंधे हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। और उसका अगला कारण ये है कि जब भी आप गले पे पाइपिंग लगाएं, तो आप पाइपिंग को लगाते समय ध्यान रखें कि आप यहाँ से पाइपिंग को शोल्डर की जगह से और यहाँ से पाइपिंग को थोड़ा सा इस तरह से खींच के लगाएं कि जिससे गले की ये साइड है ये इस तरीके से ऊपर नहीं उठते हुए ये इस तरीके से नीचे की साइड में आ जाए, जिससे आपके कंधे हैं वो इस तरीके से नहीं खिसके। और आपका अगला कारण ये है कि आपको यहाँ से आर्म होल और ये बाजू है ये टाइट नहीं रखनी है। अगर आपकी बाजू है इस तरीके से आपने ये टाइट रख दी और आर्म होल यहाँ से टाइट है, तो आप जैसे भी ब्लाउज को पहनोगे तो पहनकर आपका ब्लाउज है वो इस तरीके से टाइट होने की वजह से वो बाजू की तरफ खिंचेगा, तो आपका शोल्डर है वो इस तरीके से उतरेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बाजू को थोड़ा लूज रखना है और यहाँ से आर्म होल को भी लूज रखना है, जिससे कि आपका ये गला है इस तरह से ऊपर की तरफ ये चढ़ जाए, जिससे कि इसका शोल्डर है वो नीचे की तरफ नहीं गिरे, ये इस तरह से चिपका हुआ रहे। और इसका अगला कारण ये है कि आप जब भी ब्लाउज बनाएं तो वह परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनाएं, उसको ज्यादा लूज या फिर ज्यादा टाइट नहीं करें। और आपको यहाँ से पेटी में से ब्लाउज को बिल्कुल लूज नहीं रखना है। अगर आप यहाँ से ब्लाउज को लूज रखेंगे पेटी में से, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और चढ़ने की वजह से इसके शोल्डर है वो इस तरीके से खिसक सकते हैं। तो आपको ब्लाउज को यहाँ से बिल्कुल फिटिंग में रखना है, जितना आपका नाप है उसके हिसाब से फिटिंग में रखना है, और ज्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। आपको इन बातों को ध्यान रखना है और मैं आपको फिर अगला कारण समझाती हूँ कटिंग करने में। तो ये मेरे पास अस्तर का फैब्रिक है और इस अस्तर के फैब्रिक पर मैं आपको मार्किंग करके समझा देती हूँ कि आपको किस तरह से अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके कि आपके शोल्डर नहीं उतरे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ से गले की चौड़ाई है वो इस तरीके से 3 या फिर 2.5 इंच नहीं रखनी है, 2 या फिर 2.25 इंच यहाँ से आप गले की चौड़ाई रखें। आपके ज्यादा शोल्डर उतरते हैं तो, नहीं उतरते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी चौड़ाई यहाँ से रख सकते हैं। देखो, मैं ये 2 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ और गले की गहराई का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच का। और यहां से गले की चौड़ाई है उसका निशान लगा रही हूं मैं 2.5 इंच का, और इस तरह से इसमें गोलाई की शेप देनी है। तो ये तो हो गया गले का निशान।
और यहाँ पर निशान लगा रही हूँ मैं शोल्डर का 3 इंच का। यहाँ पे तीरा आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रखें, जितना आपका नाप है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे तीरे का नाप कर लें और फिर इसका निशान लगाएं। ये ब्लाउज मैं 34 इंच का बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का तीरा का निशान लगाया है और इसके आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इस तरह से आर्म होल में इस तरह से गोलाई की शेप देनी है और आप आर्म होल को इस तरीके से सीधा सीधा कट कर दोगे तो आपके बैक वाले पार्ट में झोल आ सकता है। तो आपको इसी तरह से आर्म होल को गोलाई से कट करना है जिससे कि आपके बैक और फ्रंट किसी भी पर्दे में झोल नहीं आए। और यहाँ पे ये आपकी शोल्डर की सिलाई है। आपके बहुत ज्यादा कंधे उतरते हैं तो आपको इस तरीके से गले की साइड में इस तरीके से सिलाई को डाउन करके लगाना है। यहाँ पे आपको सिलाई को इस तरीके से आधा या फिर 1.25 इंची झुका के लगाना है जिससे कि आपकी ये गले की साइड है ये इस तरीके से खिंची हुई सिलाई लगे और आपके वो कंधे उतरते हैं वो नहीं उतरे। तो आपकी कंधे उतरने की परेशानी आप इस तरीके से ब्लाउज की सिलाई करोगे यहाँ से तो ये परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और मार्किंग के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई आपको ज्यादा नहीं रखनी है। आप शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा करोगे तो आपके ये कंधे उतरने की समस्या दूर नहीं होगी। आप जितनी चौड़ाई कम करोगे आपकी उतने ही कम शोल्डर उतरेंगे। और आपको अगर बैक गला डीप करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, वो बैक गला डीप करना है 10 इंच का। तो यहाँ पे देखो 10 इंच का इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं गले की इतनी चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई को आप यहाँ तक नहीं बढ़ाओगे, चौड़ाई को आपको यहीं तक रखनी है। इस तरीके से देखो नीचे की साइड से मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई का। और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। आपको यहाँ से गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपके कंधे और उतरने की समस्या है वो बिल्कुल भी दूर नहीं होगी। और इसी तरीके से मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो आपको इस तरीके से गले की कटिंग करनी है। आप गला जो भी बनाना चाहें, मटका गला या फिर और कोई डिजाइन का गला, लेकिन आपको चौड़ाई को यहाँ से नहीं बढ़ाना है, चौड़ाई को यहीं से आप कितना भी कर सकते हैं। आप जितना चौड़ा पहने उतना चौड़ा आप यहाँ से गले को कर सकते हैं, लेकिन गले की चौड़ाई को यहाँ से नहीं बढ़ाना है। तो देखो ये गला है ये इस तरह से कट के तैयार हो गया है। इसकी कटिंग है वो इस तरीके से फैली हुई नजर नहीं आ रही है। तो आप इसकी सिलाई करोगे तो इसी तरीके से आपकी सिलाई आएगी और आपके कंधे हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। फ्रेंड्स आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करके और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।